सो फाइनली दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 फोन इंडिया में नेक्स्ट महीने लॉन्च होने वाला है। जब मैं बात कर रहा हूँ आईक्यू 12 5G के बारे में, इसका इंडिया लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, 12 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, अमेजोन द्वारा सेल किया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या प्राइस होगा, तब तक दोस्तों आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट लुक है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जहाँ इसी डिजाइन के साथ आने वाला बिल्कुल ही नया डिजाइन आपको इस बार देखने को मिलेगा। और तीन कलर ऑप्शन में आने वाला दोस्तों, एक ब्लैक होगा, दूसरा व्हाइट होगा, एक रेड कलर होगा। जहाँ पे दोस्तों ब्लैक और जो व्हाइट कलर है ये ग्लास बॉडी के साथ आएगा, और जो रेड वाला कलर है दोस्तों ये लेदर डिजाइन के साथ आने वाला है, मेटल फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रेड वाला कलर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। बाकी दोस्तों आपको ये डिजाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, स्टूडियो स्पीकर दिए गए, IP64 का आपको रेटिंग मिलता है, एक्स लीनियर मोटर वगैरह आपको दिया गया है, बहुत ही अच्छा हैप्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको क्वालकॉम का अब तक का सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जहाँ स्नैपड्रैगन 8 जिन 3 के साथ आने वाला है। ये 4nm पे आता है तो काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा। उसी के साथ दोस्तों इंडिया का ये पहला स्मार्टफोन बन जाएगा जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 देखने को मिलेगा, और इसका जो प्राइम कोर है दोस्तों 3.3 GHz पे क्लॉक किया गया, कॉर्टेक्स X4 वाला आपको देखने को मिलता है। इसका जो एंटूटू स्कोर निकल कर आया दोस्तों ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज्यादा निकल कर आता है, तब सोच कर देखिए दोस्तों कि इसका जो परफॉर्मेंस है आपको किस लेवल पर मिलने वाला है। स्टोरेज रैम सपोर्ट की बात करो दोस्तों, तो अप टू 16GB आपको LPDDR5X वाला रैम देखने को मिलेगा, और अप टू 1TB UFS 4.0 स्टोरेज टाइप का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और एक चीज और बताना भूल गया दोस्तों कि इसमें आपको इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप दिया गया है, तो आपका दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस, डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है काफी कमाल का होने वाला, मल्टीटास्किंग वगैरह करिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको 6.78 इंच का 1.5 के रेजुलेशन वाला आपको एक AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे हाईर रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट दिया गया, 144Hz रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, अप टू 3000 nits का आपको पीक ब्राइटनेस दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 3000 nits का आपको पीक ब्राइटनेस मिलने वाला है। सो डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट होगा, आउटडोर वगैरह में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज और आपको बताना था दोस्तों कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा जो iQOO 12 है, और जो 12 Pro होगा वहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट इसके बारे में अभी मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता हूँ। अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ दोस्तों, तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ आने वाला है, जहाँ पे आपको फन टच OS 14 देखने को मिलेगा। वैसे इंडिया में कितने साल का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मे बी आपको 3 या 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल सकता है, और 4 या 5 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर बैटरी की बात करूं दोस्तों, तो आपको बड़ा बैटरी दिया गया 5000mAh का 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा, और होपफुली आपको 120W का चार्जर बॉक्स मिल जाएगा। अगर आप उस चार्जर से चार्ज करेंगे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 22 मिनट या फिर 25 मिनट में आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा। कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, प्राइमरी आपको 50MP का मिलने वाला है, OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, और जो सेकेंडरी सेंसर है आपको 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, और जो थर्ड सेंसर है 64MP का आपको टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जहाँ पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम और 100x आपको डिजिटल जूम दिया गया है। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो फ्रंट में पंच होल में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सो ये सारे आपको स्पैक्स मिलने वाला है iQOO 12 5G में स्नैपड्रैगन 8 जिन 3 के साथ आने वाला है, 4nm पे आता है, 2 मिलियन से ज्यादा इसका एंटूटू स्कोर आता है, एक AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विथ हाईर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया, फास्ट चार्जिंग दिया गया, बड़ा बैटरी आपको मिलता है। डिजाइन दोस्तों देखने में काफी यूनिक सा लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप गेस करिए कि आपको क्या लगता है इंडिया में किस प्राइस पे आएगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको प्राइस। बताया जा रहा है कि जो इसका बेस वेरिएंट होगा 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज, इंडिया में जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है 60-65 हज़ार के इन बिटवीन में होगा। सो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, मुझे लगता है कि iQOO 12 5G जो है 60-65 हज़ार के आसपास में इंडिया में लॉन्च होगा। आपका क्या था, आपने कमेंट अगर कर दिया तो मैं रीड जरूर से करूंगा। वैसे दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, इंडिया में ये 12 दिसंबर को लॉन्च होने वाला, अमेज़न द्वारा सेल होगा,
वैसे चाइना में ये पहले लॉन्च होने वाला है, इसी महीने 7 नवंबर को चाइना में लॉन्च होगा। तब दोस्तों इसके ऑफिशियल स्पेक्स, प्राइस वगैरह सब कुछ हम लोगों को पता चल जाएगा। उस टाइम कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने का। अगर आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।